हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक बाउंड्री करते हैं आज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया की बाउंड्री किन किन नेशन के साथ टच करती है। यह हम देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ श्रीलंका। इनके साथ इंडिया की जो है वो बाउंड्री टच करती है और कितना क्या बॉर्डर शेयर करती है आज ये देखेंगे। सबसे पहले बाउंड्री कितने टाइप्स की होती है। ये टाइप्स ऑफ बाउंड्री है, ये थ्री टाइप्स की होती है, फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जियोमेट्रिकल बाउंड्री और आर्टिफिशियल बाउंड्री। आर्टिफिशियल बाउंड्री को पॉलिटिकल बाउंड्री भी कहते हैं और पॉलिटिकल के साथ साथ इसे मैनमेड बाउंड्री भी कहते हैं। सबसे पहले हम फिजियोग्राफी की बात करें। फिजियोग्राफिक यानी जब भी कोई दो नेशन फिजियोग्राफिक रीज़न की वजह से अलग हो, फिजियोग्राफिक रीज़न यानी या तो कोई माउंटेन की वजह से अलग हो या फिर किसी नदी की वजह से अलग हो, यानी माउंटेन या रिवर की वजह से अगर कोई देश अलग हो रहे हो तो वो फिजियोग्राफिक बाउंड्री बनती है। जैसे कि हम फ्रांस देखते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी इन दोनों से अलग होता है, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक माउंटेन है और फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी एक माउंटेन है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के बीच में ही एक माउंटेन है। इन दोनों के बीच वाले माउंटेन को कहते हैं जोरा माउंटेन और फ्रांस और जर्मनी के बीच में माउंटेन है जिसका नाम है वॉस जेज माउंटेन। तो इस तरीके से पता लग रहा है कि दो देश किसकी वजह से अलग हुए हैं, फिजियोग्राफिक रीजन की वजह से या फिजियोग्राफिक बाउंड्री की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं जियोमेट्रिकल बाउंड्री। जियोमेट्रिकल बाउंड्री होती है टू टाइप्स, या तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अलग हो रहे हो कोई दो देश या फिर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कोई दो देश अलग हो रहे हो। लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दोनों को अलग करने के लिए, जैसे कि इन दोनों को अलग करने के लिए माउंटेन था, इन दोनों को अलग करने के लिए क्या है, 39th पैरेलल लाइन जो है, यानी पैरेलल लाइन डली है उसके अंदर जो 39th वाली लाइन है वो इन दोनों को अलग करती है। वो कैसी बाउंड्री होगी, जियोमेट्रिकल बाउंड्री होगी। दूसरा एग्जाम्पल लें कैनेडा, और कैनेडा के साथ आएगा यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच में क्या है जो इन दोनों को अलग करता है, वो है 49 डिग्री पैरेलल, यानी 49 डिग्री की जो पैरेलल वाली लाइन है वो उन दोनों को अलग कर रही है, कनाडा और यूएसए को। तो ये होगी ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। अब आती है आर्टिफिशियल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर मैनमेड बाउंड्री। ये हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इंडिया की जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो कैसी आर्टिफिशियल है या फिर मैनमेड है। मैक्सिमम बाउंड्री इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की मैक्सिमम बाउंड्री कैसी है, आर्टिफिशियल है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम देखें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसी बाउंड्री, रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने रेड क्लिफ लाइन दी थी, वो कैसी लाइन है, मैनमेड है। इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया और अफगानिस्तान का क्या था, डूरंड लाइन, ये भी मैनमेड है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और इंडिया और चाइना की अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना, मेकोंग नाम के एक व्यक्ति आए थे उनके अकॉर्डिंग जो है इंडिया और चाइना के बारे में अलग किया गया था। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है इंडिया की वो पॉलिटिकल बाउंड्री के थ्रू अलग है। उसके बाद में इंडिया का देख, ये जो इसका साउथ पॉइंट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया और ये नॉर्थ पार्ट हो गया। तो यहाँ हमें पता है यहाँ क्या, यहाँ होता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या है इंडियन ओशियन, और यहाँ क्या है, यानी इंडिया का जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी पार्ट है, ये यहाँ तक ये सारा कैसा है, ये सारा पार्ट जो है पानी से है, यानी ये कोस्टल पार्ट है या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, वाटर बाउंड्री बोल सकते हैं। यानी इंडिया का ये क्या है, वाटर बाउंड्री या फिर कोस्टल बाउंड्री। ये अगर हम इसकी लेंथ देखी जाए तो कोस्टल बाउंड्री जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर, ये इतनी लंबी है। यानी ये यहाँ से लेकर ये जितनी भी ये सारी है 6100 किलोमीटर। उसके बाद में अगर ये लैंड की बात की जाए, ये जितना भी हमें ये बचा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ सर, ये जो लैंड बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर की है, लैंड बाउंड्री है 5200 किलोमीटर। यानी इंडिया को
नॉर्थ और साउथ यानी कोस्टल और लैंड। कोस्टल में है कितनी है हमारी 6100 और जबकि लैंड है 5200 किलोमीटर। लेकिन अगर टोटल कोस्टल पूछी जाए, जिस तरीके से कल वाली क्लास में हमने ये देखा था कि इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट वो तो है इंदिरा पॉइंट, सबसे जो सदर्न पॉइंट है। लेकिन अगर मैनलेड का पूछा जाए तो मैनलेड का सदर्न पॉइंट क्या था? कैपकोमोरिन, जो कि कहाँ आ रहा था हमारे साउथ में आ रहा था, तमिलनाडु में कैपकोमोरिन। उसी तरीके से कोस्टल के अंदर क्या है, ये तो लैंड का है लेकिन अभी हमारे आइलैंड्स बाकी है। अंडमान निकोबार देखें, ये भी वाटर से घिरे हुए हैं, ये भी कुछ ना कुछ बाउंड्री शेयर करेंगे। तो टोटल अगर बाउंड्री देखी जाए कोस्टल की, या फिर जितने भी वाटर बाउंड्री अगर टोटल देखी जाए, तो है 7516 किलोमीटर। यह है टोटल। तो इंडिया की हमने दो रिस्पेक्ट में देखी है, एक तो हमने देखी है वाटर बॉडीज के अकॉर्डिंग और एक हमने देखी है लैंड के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि इंडिया दो पार्ट्स की इसकी बाउंड्री में डिवाइड किया, कोस्टल और लैंड। कोस्टल देखी जाए तो कोस्टल कितनी है 6100, लेकिन अगर टोटल देखी जाए, ये तो लैंड मैनलैंड की बात है, लेकिन टोटल देखी जाए तो कितनी है 7516 किलोमीटर। उसी तरीके से लैंड की टोटल है 5200 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और कैसे उसके साथ, हम उसका क्रॉनिकल लेवल भी देखेंगे कि वो कितना किसके साथ क्या शेयर करता है। जैसे कि एक ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं, बचपन बी से बांग्लादेश, जी से चाइना, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल। ये हो गया। उसके बाद आता है बचपन में बहुत अफगान, मे से क्या होगा म्यांमार, बहु से क्या हो जाएगा भूटान, और अफगान से तो अफगानिस्तान। ये है सबसे ज़्यादा वो बांग्लादेश के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब ये इनके साथ शेयर करता है, अगर हम इसको उस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो तो वो हम कर लेंगे इस ट्रिक से। जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, फिर क्या आएगा हमारा म्यांमार, फिर आएगा हमारा भूटान और फिर आएगा हमारा अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का याद करना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ आखिर वो करता कितना है। बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर का। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का देख लेते हैं 106 किलोमीटर। चाइना के साथ तो हमारे संबंध दिख ही रहे हैं, हालात कैसे हैं तो इसका भी देख लेते हैं। ये इसके साथ कितना शेयर करता है? इसके साथ शेयर करता है 3488। पाकिस्तान के साथ तो हमारे बहुत पुराने और प्यारे संबंध रहे ही हैं, तो इसके क्या ये कितना शेयर करता है? 3323 किलोमीटर शेयर करता है। फिर आता म्यांमार। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान, इनका भी इशू हुआ था, करंट से रिलेटेड है ये भी हमारा, ये कितना शेयर करता है? 1643 किलोमीटर। और भूटान बचा, भूटान भूटान को अकेला क्यों छोड़ा जाए, भूटान है 699 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कौन कितना शेयर करता है और किसका मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम याद रखें, ये तो मेन है ही है। ऊपर से जो करंट के साथ इशू है, ये सारे ही देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ना कहीं इन सभी का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि अभी बहुत सारे करंट के साथ समिट्स हुई हैं और डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इन सब का याद करना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बन जाता है। थैंक यू।